हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की एक नई क्लास के साथ मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, ये क्लासेज आपकी आगामी रीट और यूपी टेट और जो भी आगामी हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं शिक्षक भर्ती संबंधित, जो है जैसे सीटेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सीडीपी की एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। फ्रेंड, यहाँ से सीडीपी के बेसिक क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होंगे, जो कि परीक्षा में सीधे तौर से आपको मदद पहुँचाएंगे। फ्रेंड, इस क्लास से स्वयं जुड़े और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। फ्रेंड, क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड, क्लास प्रारंभ कर दिए हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है, अधिगम तब तक संभव नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर रहे हैं कि अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक रूप से नहीं हो। क्या फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए फटाफट अपने आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, कि अधिगम तब तक संभव नहीं होता जब तक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक जो दशा होती है किस रूप में नहीं हो, या तत्पर हो, परिपक्व हो, सूझबूझ वाला हो, इनमें से सभी। फटाफट आंसर कमेंट करना फ्रेंड, किस कह रहे हैं कि अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, सूझबूझ वाला नहीं हो, या इनमें से सभी। फटाफट आंसर कमेंट कर बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, कह रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर, भाई तत्पर होगा तो अधिगम होगा, परिपक्व नहीं हो। जी हाँ फ्रेंड, परिपक्व नहीं हो, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं रहेगा तब तक अधिगम हो पाना संभव नहीं है। कहने का मतलब फ्रेंड कि यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो वह पुस्तक कैसे पढ़ेगा। यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो पुस्तक कैसे पढ़ेगा। यदि बच्चा अभी खड़े नहीं हो पा रहा है तो दौड़ कैसे पाएगा। कहने का मतलब, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परिपक्व हो तभी उचित अधिगम कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं कराया जा सकता है। जी हाँ, तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों होगा यह भी आप लोगों ने जान लिया, तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर। जब तक बालक शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व न हो। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड, रटने की आदत से क्या हानि होती है। जी हाँ फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि रटने की आदत से क्या हानि होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप सभी साथी बिल्कुल सही कमेंट करें। देखिए, तत्पर का यहाँ पर कह रहे हैं साथी का ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा, कह रहा है कि अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से तत्पर न हो। अरे भाई, तत्पर नहीं होगा तो तब अधिगम कैसे। तत्पर का मतलब होता है तैयार, और तैयार का यहाँ पर हो जाता है कि नियम, यहाँ पर जब सीखने का जो नियम होता है उसके अंतर्गत तत्पर को हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिगम की हम प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर कमेंट करिए कि रटने की आदत से क्या हानि होती है। बुद्धि कुंठित होती है, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। अगला है, व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है। तो बताइए फ्रेंड, सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि रटने की आदत से क्या हानि होती है। हानि के बारे में पूछा जा रहा है, हानियाँ बहुत सारी होती हैं, लेकिन उचित हानि क्या होती है, उचित हानि क्या होती है। चलिए, विकल्प नंबर सी और बी कंफ्यूजन है सभी साथी, तो चलिए क्लियर कर देते हैं। तो विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। कहने का मतलब फ्रेंड कि बालक की जो सोचने समझने की जो मूलभूत शक्ति होती है, जो मौलिक शक्ति होती है, जहाँ से बालक चिंतन करके तर्क करके प्रश्नों के जवाब खोजता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जब वह रटेगा तो उसमें जो सृजनात्मकता का गुण है वह विकसित नहीं होगा, अर्थात वह मौलिक चिंतन नहीं कर पाएगा। इसलिए विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ और पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होगी, यहाँ यह भी होगा, लेकिन यहाँ फैक्ट जो है यहाँ पर वो विकल्प नंबर सी है। आगे फ्रेंड, उत्तर बाल्यावस्था का टाइम ड्यूरेशन क्या है। उत्तर बाल्यावस्था का समय सीमा कब होता है, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष।
तो बात कर रहे हैं उत्तर बाल अवस्था की, तो आपको फ्रेंड जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, आपको देखिए जानकारी होनी चाहिए कि सैसवा जो अवस्था का टाइम ड्यूरेशन होता है 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष होता है, ये सैसवा अवस्था के लिए होता है। ठीक है, सैसवा अवस्था के लिए, सैसवा अवस्था। बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के लिए जो पूर्व होता है उसके लिए 6 से 9 और उत्तर के लिए 9 से 12। तो फ्रेंड यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर के लिए, उत्तर के लिए यहाँ पर जो 12 वाला ऑप्शन होगा इसे होगा, क्योंकि सही विकल्प नहीं दिया है। जो सही होता है एग्जैक्ट होता है 9 से 12। उत्तर बाल्यावस्था की जो टाइम साइंस में होती है वो होती 9 से 12, लेकिन यहाँ पर हमारे विकल्प में 6 से 12 दिया है, तो उसी को हम सही मानेंगे। 6 से 12 इज द राइट आंसर। जो उत्तर बाल्यावस्था का समय सीमा होता है फ्रेंड ये 6 से 12 वर्ष होता है, तो विकल्प नंबर 30 लिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो एक्चुअल में होता है फ्रेंड होता है 9 से 12, तो विकल्प नंबर सी इसलिए हम इसका बिल्कुल सही जवाब मानेंगे। सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। आप सभी लोग, जो लोग जितने भी साथी क्लास में अभी जुड़ रहे हैं उन सभी का क्लास में फिर से वेलकम है। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। जुड़ जाइए फ्रेंड, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर मददगार साबित होने वाली है, तो इसी उद्देश्य से आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी साथियों तक पहुँचे। यह उद्देश्य हमारा, सभी को लाभ मिले, क्योंकि ये जो CDP का सेक्शन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं तो बाल विकास आपके लिए एक बेहतर सब्जेक्ट के रूप में आपके लिए उपयोगी है। आपको निश्चित तौर पर इसकी एक अच्छी तैयारी के लिए हमारी क्लास से जुड़ना है और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करना है। आगे बढ़िए फ्रेंड। द टीचर्स हेल्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफी बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। द टीचर्स हेल्थ नामक पुस्तक को लिखा है फ्रेंडसन, टर्मन, गेट्स या एलिस? फटाक से आंसर कमेंट कर बताया फ्रेंड। द टीचर हेल्थ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। द टीचर गेट्स को किसने लिखा है? चलिए विकल्प नंबर ए और बी, कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग बी कमेंट कर रहे हैं, और भी सभी साथी आंसर कमेंट करके बताया फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। द टीचर हेल्थ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। चलिए बी 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 बी, ज़्यादातर जो आंसर आ रहा है फ्रेंड बी आ रहे हैं, जो कि गलत है। इसका मेंटल एबिलिटी को लिखा है, मेंटल एबिलिटी को लिखा है टर्मन ने। द टीचर्स हेल्थ को लिखा है फ्रेंड फ्रेंड्समैन ने। जी हाँ, फ्रेंड्समैन ने लिखा है द टीचर्स हेल्थ को, विकल्प नंबर ए, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। द टीचर्स हेल्थ मतलब शिक्षक की मानसिक अवस्था या शिक्षक का स्वास्थ्य नामक पुस्तक को लिखा है फ्रेंड, उनका नाम है फ्रेंड्समैन। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है, फ्रेंडसन इज द राइट आंसर। वह कौन सा स्थान है फ्रेंड जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पे तो स्टार लगा लीजिएगा, यह पेपर में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? मैं चाहूंगा कि सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हों। सभागार, घर, खेल या पर्यावरण, खेल का वातावरण, खेल का मैदान, विद्यालय एवं पर्यावरण। बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी जल्दी सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित होता है? बहुत बढ़िया, आंसर आने सभी साथियों के लगभग लगभग प्रारंभ हो चुके हैं, और करीब करीब जब जो भी आंसर मैं देख पा रहा हूँ लगभग लगभग सही आ रहे हैं। बिल्कुल विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। जी हाँ फ्रेंड, विद्यालय व कक्षा का पर्यावरण एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, जी हाँ फ्रेंड बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की, जिसमें बालक में सूझबूझ और समझ का भाव उत्पन्न होता है, ऐसा विकास बालक का सर्वप्रथम विद्यालय व कक्षा के पर्यावरण में ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षा जीवन में शिक्षा का कार्य है? यहाँ फ्रेंड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी साथी आसानी से इसका बिल्कुल जवाब देंगे अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, बिल्कुल गलत। शिक्षा का जो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि शिक्षा जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त एकता का विकास करना या राष्ट्रीय एकता का विकास करना? चार विकल्प है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल से विकल्प हैं, सीधे साधे विकल्प हैं,
आपको सिंपल सा आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होंगे, जल्दी से बताइए। अंतर्राष्ट्रीय समझौते मायने नहीं रखते, उसके लिए और भी लोग होते हैं। एक व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के महत्व को पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, तनाव तो बना ही रखना है, तनाव को दूर करना है, यह कह सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, संयुक्त एकता को बनाए रखना, ये दो ऑप्शन आपके सामने, इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन आपका सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प आप लोगों का सही है, कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 50-50 हो गया है, सी और डी में से एक विकल्प सही है, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए फिलहाल हम इसको देख लेते हैं कि टर्मन ही आया है, ठीक है। द टीचर सेल्स को हम एक बार, हम भी एक बार थोड़ा सा बुक वगैरह में इसको क्लियर करेंगे, तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो, तो हम भी एक बार बुक में इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे, उसके बाद फिर इससे अगले क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या टर्मन ही है, क्या फ्रेंड्स मैन नहीं है, तो उसके बारे में कल क्लास में डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, संयुक्त एकता विकास करना। जी हाँ, संयुक्त एकता का विकास करना, कहने का मतलब फ्रेंड व्यक्तिगत तौर पर यदि शिक्षा के महत्व को देखा जाए तो संयुक्त रूप से एकता का विकास करना, मतलब जिस वातावरण में आप हैं, राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, जिस वातावरण में व्यक्ति निवास कर रहा है उस वातावरण में एकता को बनाए रखे, आपसी प्रेम सौहार्द को बनाए रखे, आपसी समझ को बनाए रखे, यही सिखाता है शिक्षा हमें, तो विकल्प नंबर सी इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है शिक्षा है, शिक्षा है क्या है फ्रेंड, एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य विधि, जीवन चलने वाली प्रक्रिया, विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा तभी साथी इसका बिल्कुल सही आंसर करें, क्योंकि अब तक का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी लाइव हैं सभी के आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। शिक्षा क्या है फ्रेंड, शिक्षा क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य विधि है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया है। देखिए फ्रेंड, शिक्षा का आशय दो शब्दों में लिए, दो अर्थों में लिया जाता है, एक जो विद्यालय ज्ञान तक सीमित होता है, एक जो समाज के द्वारा मिलता है। तो फ्रेंड विद्यालय ज्ञान के द्वारा, विद्यालय द्वारा जो है एक सीमित समय तक शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है, लेकिन वातावरण से व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ ग्रहण करता रहता है, जिसको भी शिक्षा का ही रूप दिया जाता है। इसीलिए फ्रेंड जब तक व्यक्ति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है, तब तक वह कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करता रहता है, न या तो वह परिवार से जुड़ा, परिवार से, समाज से, जिस भी वातावरण में है वहाँ पर कुछ न कुछ वह शिक्षा ग्रहण करता रहता है। इसीलिए शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकल्प नंबर सी के साथ चलेंगे, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानसिक विकास के लिए, या फ्रेंड पूछा जा रहा है इसको थोड़ा सा, चलिए कह रहे हैं कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उसके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाक से आंसर कमेंट कर दिए फ्रेंड कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए भाई, उसको सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, जब तक अवसर प्रदान नहीं करेंगे तब तक उसकी मानसिक योग्यता की जाँच कैसे होगी, वह बच्चा की मानसिक योग्यता क्या है, क्या क्या चीज़ें वह सीखना चाहता है, क्या क्या चीज़ें वह जानना चाहता है। छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा पूरा ध्यान दें, बिल्कुल, जब तक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बराबर नहीं रहेगा तब तक बच्चा कुछ सीखने और समझने के योग्य नहीं होगा, तो यह भी बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान न देते हुए उसे समुचित, जी हाँ, यह भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जब तक बच्चे को आप समुचित वातावरण नहीं देंगे तब तक उसके सीखने और ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, इसलिए विकल्प नंबर डी के साथ चलेंगे, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। बिल्कुल फ्रेंड, ये आपको सुपर टेट के लिए एक क्लास आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे, इससे इतर नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए फ्रेंड आपके क्लास सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट,
उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ DSSSB KVS जितने भी आपकी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाएं होती हैं, यदि CDP पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लास आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे फ्रेंड, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो यह विधि क्या कहलाती है? रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचना है, अस्थापन समायोजन या इनमें से सभी? क्या फ्रेंड, सिंपल सी बात है, कोई बच्चा यदि असफल हो जा रहा है और किसी और के ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है, को तनाव किसी और ऊपर लादने के बाद तनाव कम करने का प्रयास करता है तो कौन सी विधि कहलाती है, उस विधि को क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं कि जैसे किसी का एग्जाम, यदि कोई किसी का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता है, तो देता है पेपर बनाने वाले के ऊपर दोष देता है कि पेपर बहुत कठिन आया था, या पेपर का पैटर्न आउट ऑफ सिलेबस था, या पेपर कहीं दूसरी जगह से पूछा गया था। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के एक्सक्यूज लोग रखते हैं कि अपने आप को संतुष्टि देने के लिए अपने, जैसे क्या होता, हम ही आप करते क्या है कि पेपर को बता देते हैं संतुष्टि अपने आप को देने के लिए कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, यहाँ से आया था, वहाँ से आया था। तो इस विधि को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? आपसे हमसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रीजन में जिस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं, जैसे एक प्रचलित कहावत है आप सभी लोग जानते होंगे, सुनते होंगे, चित प्रचित होंगे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी हाँ फ्रेंड, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहने का मतलब जब आपको नाचना ही नहीं आता तो आप तमाम तरह की बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, तमाम व्यवस्थाएँ आप बताते हैं, तो उसी प्रकार के जो उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो जी हाँ फ्रेंड, अस्थापन समायोजन उसको कहते हैं, विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर देना है, अस्थापन समायोजन उसको कहेंगे, कि मतलब परिस्थिति को एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग समायोजित कर देना है, इसलिए इसको क्या है, अस्थापन समायोजन का नाम दिया जाता है। जानते रहिएगा फ्रेंड, विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, बच्चों का स्वभाव होता है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, बच्चों का स्वभाव होता है माता के अनुकूल, पिता के अनुकूल, दोनों के अनुकूल, या अपने मित्र के अनुकूल। तो बताइए फ्रेंड, कमेंट करके बताइए कि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, क्या माता के अनुकूल होता है, क्या पिता के अनुकूल होता है, या दोनों के अनुकूल होता है, अपने मित्र के अनुकूल होता है, जल्दी से बताइए आप सभी की। जी हाँ बिल्कुल, CDP की क्लास आज से प्रारंभ हुई है, CDP की क्लास जो है आज से प्रारंभ हुई है। अब ये क्लास प्रतिदिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के YouTube चैनल से मिलेंगी, तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश का जुड़ जाइए, समस्त क्लास के वीडियो, PDF नोट्स और क्लास के टाइमिंग, सारी चीज़ें वहाँ से आपको एक स्थान से प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो आप वहाँ से जो है सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, तो बच्चों का स्वभाव कैसा होता है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड, बच्चों का जो स्वभाव होता है, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि दोनों के अनुकूल होता है। जी हाँ, माता और पिता दोनों के स्वभाव के अनुकूल होता है बच्चों का स्वभाव, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जब बच्चे का सामाजिकरण का विकास प्रारंभ होता है तो परिवार से प्रारंभ होता है, परिवार में माता और पिता का प्रभाव बच्चे में सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए वह स्वभाव में उसके माता और पिता के गुण सबसे ज्यादा आते हैं। तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, गीजू भाई, जी हाँ फ्रेंड, गीजू भाई को किस उपनाम से जाना जाता है, गीजू भाई को कुछ किस उपनाम से जाना जाता है, तो गीजू भाई फ्रेंड, गीजू भाई का पूरा नाम गीजू भाई बदेका है, तो भाई नाम से बाल गांधी, चाचा या बाबा, किस नाम से इनको जाना जाता है फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गीजू भाई को जो उपनाम, जिस नाम से उनको प्रचलित है, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, वह नाम है फ्रेंड बाल गांधी। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रेंड, उसका नाम याद रख सकते हैं सर, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ठीक है फ्रेंड, प्राथमिक शाला के लिए भाषा शिक्षा, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। विकल्प नंबर 30 को भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, गीजू भाई बदेका को बाल गांधी के रूप में जाना जाता है, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सिंपल सा आंसर है। अगला, अंतर्मुखी बालक होता है फ्रेंड, अंतर्मुखी
बालक होता है, सभी के साथ मिलकर चलने वाला। सभी के साथ मिलकर चलने वाला बिल्कुल गलत। अंतर्मुखी सभी के साथ मिलकर नहीं चलता है, वह एकांत में रहना पसंद करता है। समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, यह गुण आपके भाई पाए जाते हैं किसमें? यह गुण आपके पाए जाते हैं उभयमुखी बालकों में। एकांत में विश्वास करने वाला, बिल्कुल यही बिल्कुल सही जवाब है कि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वह एकांत में रहना पसंद करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही थी सही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं वह अपने आप को समाज से दूर समझते हैं, समाज से अलग समझते हैं, वह एकांत में रहना पसंद करते हैं, वह किसी भी प्रकार का शोरगुल पसंद नहीं करते हैं। तो विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। भाषा एवं शारीरिक विकास में उभयनिष्ठ तत्व है एंड भाषा एवं शारीरिक विकास में उभयनिष्ठ तत्व क्या है? विभिन्न आयु में वृद्धि का प्रतिस्फुटन, अनुभव पर निर्भर होना, प्रशिक्षण पर निर्भर होना, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। भाषा और उभयनिष्ठ तत्व क्या है कि मतलब कब हम कह सकते हैं कौन सा ऐसा तत्व है जो भाषा और शारीरिक दोनों के विकास में कह सकते हैं कामन होता है, कामन रूप से भाग लेता है। चलिए विकल्प नंबर ए और सी आंसर आने चालू हैं, सी और डी। प्रशिक्षण पर निर्भर होता है। देखिए भैया भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा सीखने के लिए बालक में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बालक क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वह जिसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके क्या है कि जो शारीरिक गुण होते हैं उसमें इसका विकास प्रारंभ होता है। तो कहने का मतलब विभिन्न आयु में होने वाले जो वृद्धि का होता है प्रभाव वह भाषा तथा शारीरिक विकास में उभयनिष्ठ तत्व के रूप में काम करता है। मतलब फ्रेंड शारीरिक विकास का भी प्रभाव आयु से है और भाषा के विकास का भी प्रभाव आयु से है कि मतलब किस अवस्था में, जैसे आप जानते हैं कि 6 महीने का बच्चा क्या बोलता है, कितने शब्द बोलता है, 2 महीने का बच्चा कितने शब्द बोलता है, 9 महीने का बच्चा कितना शब्द बोलता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ें आयु पर डिपेंड हुई फ्रेंड ना। 2 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है, 5 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है, ये चीज़ें आयु पर डिपेंड हुई नहीं। इसीलिए भाषा और शारीरिक विकास दोनों के लिए बने जो तत्व फ्रेंड हुआ है आपका विभिन्न आयु में वृद्धि होने स्फुटन। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। जी हाँ फ्रेंड, एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, मतलब पूछा जा रहा है कि शिक्षा साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान कला है, शिक्षा मनोविज्ञान कला विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? यह तो फ्रेंड बिल्कुल एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी ऑप्शन नंबर 3 को टाइप करिए, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। तो विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर फ्रेंड, कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान भी है, साथ ही साथ इसमें कला के भी अंत हैं, कला का भी पार्ट इसमें जोड़ा गया है, इसलिए यह दोनों का मिश्रित रूप है। विकल्प नंबर 3 इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, शिक्षा को मनुष्य संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख प्रसिद्ध यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, कुप्पू स्वामी या डगलस? किसने कहा फ्रेंड कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए? फटाफट आंसर कमेंट करके बताओ फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। चलिए बी 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 आंसर नंबर बी आने प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल बी वाले साथियों के जवाब सही हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का यह कथन है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, संचय की प्रवृत्ति। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं, बेहद सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखिए प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, यह बिल्कुल सही है। अनुकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। संचय की प्रवृत्ति का मतलब फ्रेंड चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे क्या होता है कि अवस्था में आप जानते हैं कि बालक खिलौनों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, खिलौने हो गए, कंचे हो गए, जो भी चीज़ें वह पाता है उसको इकट्ठा करता है।
तो कहने का मतलब संचय की प्रवृत्ति पे आ जाती है, अनुकरण की तो रहती है मतलब खोज करने की प्रवृत्ति, यह उसके बाद प्रबल जिज्ञासा मतलब ये कि ये चीज़ें कैसे होती है, क्यों क्यों कोई चीज़ क्यों होता है, यह चीज़ जानने की क्षमता उनके अंदर बराबर बनी रहती है। इसका मतलब जो नहीं होता फ्रेंड व अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यह किशोरा अवस्था की विशेषता है न कि बाल्यावस्था की। तो विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक का, शिक्षक का, पाठ्यक्रम का या पुस्तक का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्तमान समय में जी हाँ फ्रेंड, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान का जो सेंटर्ड है, जो सेंटर्ड है वह चाइल्ड सेंटर्ड है। कहने का मतलब फ्रेंड बालक आधारित, जी हाँ फ्रेंड बालक आधारित इस समय शिक्षा मनोविज्ञान हो गया है, इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है फ्रेंड वह बालक है, बालक के शारीरिक मानसिक नैतिक अन्य सभी चीज़ों को दृष्टिकोण में रखकर ध्यान में रखकर ही इस समय वास्तविक समाज में वर्तमान समाज में एक शिक्षा का ताना बाना बुना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है फ्रेंड, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है? प्रभुत्ववादी उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने का उपाय, निष्पक्ष रूप से विद्यालयों के अनुपालन की बाध्यता। तो बताएं फ्रेंड कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि क्या है? बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन यह भी है फ्रेंड, आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप सभी लोग इस प्रकार की कार्य से प्रचलित हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। विकल्प नंबर सी बी आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं जी हाँ। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है प्रजातांत्रिक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि प्रजातांत्रिक उपागम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कहने का मतलब फ्रेंड कि कक्षा में यदि लोकतांत्रिक माहौल स्थापित होगा तब उस विधि द्वारा सबसे अच्छे तरीके से कक्षा का नियंत्रण किया जा सकता है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की विधि का सहारा लिया जाता है? जी हाँ फ्रेंड, बात कर रहे हैं व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन विधि का सहारा लिया जाता है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि या प्रयोगात्मक विधि? व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड निदानात्मक परीक्षण कराया जाता है। निदानात्मक के द्वारा क्या होता है, समस्या का पता लगाया जाता है और तत्पश्चात उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। कहने का मतलब जिस कारण बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है उस कारण का पता लगाकर उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उसके व्यवहार को सही किया जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कौटिल्य के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक सील के गुण बताइए। जी हाँ फ्रेंड, कौटिल्य के अनुसार व्यक्तित्व के प्रारंभिक सील के गुण बताइए, 12, 20, 10 और 13। जी फ्रेंड, कैटिल आर बी कौटिल के अनुसार व्यक्तित्व के प्रारंभिक सील गुण कितने हैं? 12 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 13 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाक से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आर बी कैटल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक सील गुण की जो संख्या बताई फ्रेंड वह बताइए, 12। तो विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। काफी साथी चार हमारे विकल्प नंबर 1 कमेंट कर रहे हैं, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं, ए इज द राइट आंसर फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।